हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम एक और नया एक्सपेरिमेंट लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। आज हम बनाने वाले हैं स्लाइम। तो स्लाइम के लिए बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो हम लेके आए हैं। हमें चाहिए ग्लू, आप ये फेविकोल भी हो सकता है, और ग्लू मतलब और कोई गम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहिए मेन जो इसमें भूमिका निभाएगा वो है बोरिक एसिड, ठीक है। और हमें चाहिए गर्म पानी और कुछ बर्तन आप देख ही रहे होंगे। हमें हम इसको साइड करते हैं और बोरिक एसिड को मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इस अपने कंटेनर में जो है गर्म पानी डालना होगा, इतना काफ़ी रहेगा। फिर हमें ये बोरिक एसिड आप देख रहे होंगे, बोरिक एसिड ये आपको कोई भी जनरल स्टोर पे मिल सकता है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये हमको इसमें डालना पड़ेगा। तो हमने इसको गर्म पानी में क्यों डाला, यहाँ पे एक सवाल उठता है। गर्म पानी में हमने इसके इसलिए डाला इसको क्योंकि जो होता है बोरिक एसिड जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो वो बोरेट आयन बनाता है। तो आगे की प्रोसेस हम आपको बताएँगे कि बोरेट आयन जो है कहाँ काम आएंगे। इसको हमको मिला लेना है ढंग से। तो जब तक ये तैयार होता है हम जो है ग्लू निकाल लेते हैं। तो हम इसमें ग्लू डालेंगे, हम दो कलर बनाएंगे स्लाइम के। इन दोनों को डालने के बाद हमको इसमें कलर डालेंगे। हमारे पास दो स्केच कलर हैं, आप स्केच कलर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वाटर कलर नहीं है। तो आपको इसके अंदर से कुछ ही ऐसी रिफिल निकलेगी, रिफिल को दबाना है और इसके अंदर से कलर निकलेगा कुछ इस तरीके से। बस इतना काफ़ी रहेगा आई थिंक सो। और फिर बाद में इसमें दूसरा कलर डालेंगे हम। कलर डालने के बाद आपको इनको मिलाना है। तो गाइस, अब हम इसमें बोरिक एसिड डालेंगे। एक्चुअली ये बोरिक एसिड नहीं है, ये हो गया है बोरेट आयंस जो हैं। तो अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं, हमको हिसाब से डालना है और इसको घोलते जाना है। स्टार्टिंग में हम दो स्पून ही डाल रहे हैं और फिर इसको मिलाते हैं। अब जितना स्टिकी रहेगा ना आपको जब तक डालना है जब तक ये एकदम नॉन स्टिकी ना हो जाए। तो आप देख रहे होंगे अभी भी थोड़ा स्टिकी है, तो हम इसमें थोड़ा सा बोरिक एसिड और डाल देंगे बहुत। तो ये जो है हमारा ये ग्रीन वाला जो स्लाइम है वो बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टिकी स्लाइम बन चुका है अपना। इससे आप आराम से खेल सकते हैं, कोई इतना हैजार्डियस नहीं होता है ये। अब जब हमारे जो ग्रीन वाला प्रिपेयर हो चुका है, अब हम रेड वाला प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे ही सेम अमाउंट में हम बोरिक एसिड डालेंगे इसमें। गाइस, हमारा जो है दोनों ही स्लाइम हो चुके हैं रेडी। तो देखिए, हम अब ये जो बिल्कुल है नॉन स्टिकी हो गया है, ये देखिए बहुत ही रिलैक्स होता है। जो स्ट्रेस बॉल आती है वो भी यही काम करती है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बना मतलब फील कराती है, ठीक है। ये भी कुछ ऐसा ही है, अब देखिए, और ये चिपकेगा नहीं।
तो गाइज अब हम दोनों इन दोनों स्लाइम को मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा कलर आएगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। मैं अब इन दोनों को मिलाने वाला हूँ, और हम ऐसे वैसे नहीं मिलाएंगे, हम इनको ऐसे मिलाएंगे। अरे मिल जाओ, ये देखिए खतरनाक जोड़ है ये। तो इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। अब इसको मिला के देखते हैं कौन सा कलर बनता है इसके अंदर। अगर आपको ये स्लाइम वाली वीडियो जो है अच्छी लगी हो, अभी भी ये फैल रहा है, तो आप भी इसी की तरह हमारे इस चैनल पे फैल जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और जो लाल वाला बटन आ रहा हो उसको क्लिक कर लीजिए, और उसके साइड में घंटा बटन भी आ रहा होगा उसको ऑन कर लीजिए हमारे नए अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।